आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रिलायंस जियो की सिम रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने महंगाई भत्ते में की है बढ़ोतरी। इसके अलावा देश के इस राज्य में 8 दिनों तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं, सरकार ने इस वजह से लिया है बड़ा फैसला। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा महंगाई के बाद आम आदमी पड़ने वाली है जीएसटी की मार, सबसे कम स्लैब पर बढ़ सकता है टैक्स। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा वाहन रखने वाले लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट, सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर है बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी बेस खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो वाहन चालकों के लिए काम की खबर। अगर आपके पास भी है पुराना ड्राइविंग लाइसेंस तो जान रही है खबर, नहीं तो हो जाएगी परेशानी। अगर आपके पास भी 20 साल पुराना यानी 2002 से पहले का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल 12 मार्च से ऐसे जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनको यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट कराना है, जो 2002 से यहाँ पर पहले बने हुए हैं उनको ऑनलाइन अपडेट कराना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो जाएगी। भाई परिवहन मंत्रालय की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से देश भर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। वही सारथी पोर्टल के जरिए आप घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल और इसके अलावा डुप्लीकेट और करेक्शन से जुड़ा यहाँ पर कोई भी काम यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने सभी आईटीओ को निर्देश दिया है कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा ऑनलाइन किया जाए। वही 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक यहाँ पर खुला रहेगा, इसके बाद तो ये सुविधा बंद हो जाएगी। वही ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अब पूरी प्रक्रिया सारथी पोर्टल के माध्यम से होनी है, इसके लिए डेटा का ऑनलाइन होना जरूरी है। विभाग ने निर्देश जारी किया है कि जिनके पास भी ड्राइवरी के लाइसेंस है वे रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल पर कराए, नहीं तो जो उनका जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल नहीं होगा, ना ही डुप्लीकेट लाइसेंस वो बना सकेंगे। वर्ष 2022 में यहाँ पर ये नियम यहाँ पर लागू हुआ। वही वर्ष 2002 से पहले के सभी ड्राइविंग लाइसेंस पहले ऑफलाइन में बनते थे, अब इनका यहाँ पर जो डेटा है वो ऑनलाइन किया जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने होली से पहले डीए की बढ़ोतरी का दिया है तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब डीए 11% बढ़ाकर सरकार ने 31% कर दिया है। डीए में यह बढ़ोतरी अप्रैल से लागू होगी। इससे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 20% डीए यहां पर मिलता था। वही बजट सेशन से 2 दिन पहले यहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हम सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और डीए नहीं बढ़ा पाए थे, अब हम इसे बढ़ाकर 31% कर देंगे और अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ जो डीए है उसका यहाँ पर डीए भत्ता यानी महंगाई भत्ते का लाभ यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। वही अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार के फैसले का फायदा लगभग एमपी के यहाँ पर टोटल जो 7 लाख कर्मचारी है उनको यहाँ पर इससे फायदा मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई के बाद आम आदमी पर पड़ने वाली है जीएसटी की मार, सबसे कम स्लैब पर बढ़ सकता है टैक्स। पेट्रोल डीजल और खाने के तेल के दाम बढ़ने के बाद अब आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली। दरअसल सरकार जीएसटी की सबसे कम स्लैब पर टैक्स की दर बढ़ा सकती है, इसका असर सीधे आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। दरअसल जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में यहाँ पर कम स्लैब को 5% बढ़ाकर 8% यहाँ पर किया जा सकता है। इसके साथ ही जीएसटी व्यवस्था में छूट की सूची को यहाँ पर कम किया जा सकता है। राज्य के वित्त मंत्रियों की एक समिति ने इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को यहाँ पर जो है वो सौंप सकती है। इसमें सरकार की कमाई यानी राजस्व बढ़ाने के लिए अलग अलग कदमों को यहाँ पर कदमों का सुझाव इसमें दिया गया है। वही सूत्रों का कहना है कि जीएसटी की सबसे निचली दर 5% से बढ़ाकर अब 8% करने का सरकार यहाँ पर सरकार 8% करने को अतिरिक्त 1.50 लाख करोड़ रुपए का सालाना राजस्व यहाँ पर सरकार को मिल सकता है। 1% की बढ़ोतरी से सालाना 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए, अप्रैल से वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, बढ़ेगी बीमा की लागत। अप्रैल से अपने वाहनों के लिए ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना पड़ सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में यहाँ पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। वे नई दरें अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल से यहाँ पर लागू हो जाएगी, यानी 1 अप्रैल से कार और दोपहिया वाहनों का बीमा की लागत में बढ़ोतरी का अनुमान है। वही कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से यहाँ पर 2 साल की मोहलत के बाद संशोधित यहाँ पर जो टीपी बीमा प्रीमियम है वो 1 अप्रैल से यहाँ पर लागू होगा। वही वाहनों की चपेट में आने वाले किसी तीसरे व्यक्ति के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पश्चिम बंगाल में आज से 16 मार्च तक बंद रहेगी इंटरनेट की सर्विस। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस आज से यानी 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक बंद रहेगी। राज्य सरकार ने कुछ ब्लॉकों में इंटरनेट बंदी का फैसला यहां पर किया है। इन इलाकों में गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया गया है। वह पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बंदी को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 7 जनपदों में 7 मार्च यानी आज से 16 मार्च तक इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस स्थायी रूप से यहां पर बंद रहेगी, अस्थायी रूप से यहां पर निलंबित रहेगी। वह आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर और इसके अलावा कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और बीरभूमि और दार्जिलिंग जिलों में कुछ इलाकों में 7 से 9 और 11 से 12 और 14 से 16 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3:05 तक मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो अस्थायी रूप से यहां पर निलंबित कर दी जाएगी, जिससे यहां पर गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीपीएफ खाता रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने नियमों में कर दिया है बदलाव। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अगर आपने भी पीपीएफ में निवेश कर रखा है या फिर आप पैसा लगाने का प्लान बना रहे हैं तो सरकार की तरफ से नियमों में कुछ यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। सरकार की ओर से एक नया नियम जारी किया गया है जिसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा। दरअसल वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि 12 दिसंबर 2019 को या फिर उसके बाद अगर किसी एक शख्स ने 2 अकाउंट ओपन कराए हैं या फिर इससे ज्यादा पीपीएफ उनके अकाउंट है तो वह मर्ज नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर ऑफिस मोमेंटम जारी किया है। वहीं सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि जो भी संस्थान 12 दिसंबर या इससे बाद यहां पर खोले गए सभी पीपीएफ अकाउंट को मर्ज कराने की रिक्वेस्ट यहां पर रिक्वेस्ट को ना भेजे, नहीं यहां पर स्वीकार करे। बता दें आपको कि सरकार ने इसके पीछे यहां पर पीपीएफ के साल 2019 के नियमों को यहां पर बताया है, यानी इसके बारे में यहां पर बताया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी किए गए यहां पर ओएम में बताया गया है कि 12 दिसंबर 2019 के बाद खोले गए अकाउंट 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट से सिर्फ एक ही यहां पर पीपीएफ खाता को एक्टिव रखा जाएगा, इसके अलावा दूसरा खाता बंद यहां पर कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब होली पर घर जाने के लिए सभी को मिलेगा कंफर्म टिकट। भारतीय रेल चला रहा है स्पेशल ट्रेन। घर परिवार छोड़कर देश के अलग अलग शहरों में, जिलों में और राज्यों में खाने कमाने के लिए जाने वाले लोग आमतौर पर त्योहारों के समय अपने घर लौटते हैं। इस साल 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग अपने परिवार से दूर है या दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे हैं वे होली के मौके पर अपने घर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। वही त्योहार के मौके पर ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलना काफी यहां पर बड़ी बात होती है, यानी बहुत दिक्कतें यहां पर होती है। इसलिए भारतीय रेल त्योहारों को ध्यान में रखकर यहां पर कई स्पेशल ट्रेन यहां पर चलाती है। इस कड़ी में भारतीय रेल इस बार होली के मौके पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन यहां पर रेलवे कर रहा है। वही भारतीय रेल उत्तर जो रेलवे है वो जोन भी यहां पर रेलवे यात्रियों को कंफर्म सीट देने के लिए होली स्पेशल ट्रेन यहां पर चला रहा है, जिसमें यहां पर कुछ ट्रेनों की लिस्ट यहां पर रेलवे की ओर से जारी की गई है। वहीं उसमें यहां पर आनंद विहार टर्मिनल और उधमपुर जो आरक्षित ट्रेन है वो हफ्ते में 2 दिन यहां पर चलेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या यहां पर 04053 आनंद विहार टर्मिनल से उधमपुर आरक्षित ये जो ट्रेन है वो 10 मार्च को यहां पर 21 मार्च तक प्रत्येक सोमवार को और गुरुवार को ये यहाँ पर चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से रात 11 बजे प्रस्थान ये करेगी। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर श्री वैष्णो देवी जो कटरा वाली है वो नई दिल्ली वाली एक्सप्रेस ट्रेन उसको भी साप्ताहिक होली स्पेशल चलाने की बात यहाँ पर कही है। इसके अलावा यहाँ पर बठिंडा से वाराणसी वाली की भी यहाँ पर ट्रेन को किया गया। इसके अलावा आनंद विहार से वाराणसी वाली भी यहाँ पर ट्रेन को होली आरक्षित स्पेशल ट्रेन यहाँ पर बनाया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ गोरखपुर जो ट्रेन है उसको भी यहाँ पर होली स्पेशल आरक्षित किया गया। इसके अलावा दिल्ली जंक्शन से पटना के लिए उस ट्रेन को भी यहां पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जियो यूजर्स के लिए कुछ खबरें, फोन में बिना सिम डाले कर सकेंगे कॉल। जियो कंपनी अपने फीचर्स में हर समय कुछ न कुछ बदलाव यहां पर करती रहती है। एक बार फिर जियो कंपनी ने अपने फीचर में यहां पर बदलाव किया। दरअसल इसका लाभ लाखों जियो उपभोक्ताओं को मिलेगा। दरअसल जियो ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसका लाभ स्मार्टफोन उपयोग करने वाले लोगों को मिलेगा। दरअसल हर दिन दिखने में यहाँ पर आता है कि कई लोगों का एक फोन से यहाँ पर काम नहीं हो पाता है तो वे 2 फोनों को अपने साथ यहाँ पर रखते हैं, जिसमें एक फोन में यहाँ पर पर्सन नंबर होता है। लेकिन इन सब समस्याओं को अब आपको यहाँ का छुटकारा यहाँ पर मिलने वाला है। दरअसल जियो ने हाल में यहाँ पर एक कमाल का ऑफर निकाला है जिससे उपभोक्ताओं को अपने एक स्मार्टफोन में 5 नंबर एक साथ वो इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता है। दरअसल उसे दूसरे फोन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक स्मार्टफोन में 5 नंबर का उपयोग कर परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। दरअसल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो ने एक कमाल का ऑफर निकाला जिसमें कोई भी उपभोक्ता स्मार्टफोन
यहाँ पर स्मार्टफोन में 5 नंबर इस्तेमाल कर सकता है और चाहे तो वह फोन में सिम डाले बिना ही टेलीकॉम सेवाओं का लाभ भी ले सकता है। दरअसल इसके लिए आपको सिम सपोर्ट की जरूरत है, मतलब इससे आपको उस सिम सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी जिसका फायदा जियो के यूजर्स ले सकते हैं। दरअसल जियो कंपनी ने एक कमाल का फीचर निकाला जिस स्मार्टफोन में बिना सिम डाले ही यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब एक ऐसा यहाँ पर ही सिम सपोर्ट की मदद यहाँ पर करेगा। दरअसल मतलब ये जो जानकारी दी है उसमें बताया गया कि वैसा ही सिम सपोर्ट का मदद यहाँ पर किया जाएगा जिसमें सिम सपोर्ट एक ऐसा फीचर है जिसमें स्मार्टफोन में सिम डालने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि वर्चुअली सिम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिम को अपने नज़दीकी जियो स्टेशन पर जाकर एक्टिवेट कराना होगा, यानी सिम की आपको जरूरत नहीं होगी, नंबर से ही आपका यहाँ पर काम आ जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में आई है कमी। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार जो कमी का दौर है यानी गिरावट का दौर है वो लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 5,476 नए केस यहाँ पर मिले हैं। वही संक्रमितों कुल संख्या बढ़कर भारत में यहाँ पर 4,29,62,000 पार हो चुकी है। वही उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर भारत में 59,000 के आसपास रह गए, यानी भारत में फिलहाल जो एक्टिव केस बचे हैं वो 59,000 के आसपास है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 158 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं मिलाकर कुल भारत में यहाँ पर अब तक 5,15,000 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वही देश में पिछले 28 दिन से संक्रमण के दैनिक मामले 1,00,000 से कम आ रहे हैं। वही मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी 59,000 के आसपास एक्टिव केस यानी जो लोग हैं वो संक्रमण का इलाज यहाँ पर करा रहे हैं जो कि कुल मामलों का 0.14% है, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भारत में 98.65% है। इसके मुताबिक अब तक देश में कोरोना से 4,23,28,000 से लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.20% है। वही आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 178 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज जो है वो भारत में अब तक दी जा चुकी है।